दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन चेस का यूट्यूब चैनल को और दबा दीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे रॉयल एनफील्ड 650 या फिर 750 या फिर इंटरसेप्टर 750 या फिर कॉन्टिनेंटल GT 750। दोस्तों आगे बात करूंगा इसी सब के बारे में, तो वीडियो कंटिन्यू देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण, आप देख रहे हैं ऑनलाइन चेस का। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे रॉयल एनफील्ड की तरफ से यहाँ पे कुछ इस तरह से टीजर्स निकल कर आ रहे हैं, तो पहले उन पर नजर डाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दो बाइक्स दिखाई दे रही हैं, वन हार्ट टू सोल दिया हुआ है, ट्विन सिलेंडर इंजन है, या फिर दो बाइक्स आने वाली हैं नई, या फिर दोस्तों यहाँ पर इंजन आने वाले हैं दो नए। यहाँ पर एक टीजर और निकल के आ रहा है जो दोस्तों शेयर किया था इंस्टाग्राम पे सिड लाल, मतलब कि यहाँ पर CEO ऑफ रॉयल एनफील्ड एंड आइसर मोटर्स, तो उसको भी देख लेते हैं। तो अभी तक जो रूमर्स थे, लीक्स थे, वो निकल कर आ रहे थे दोस्तों 750 सीसी इंजन के बारे में। यहाँ पर दोस्तों इंटरसेप्टर 750 के नाम से कुछ लीक्स निकल कर आए थे, या फिर दोस्तों यहाँ पर कॉन्टिनेंटल GT 750 को लेकर कुछ लीक्स निकल कर आए थे। लेकिन अब जो इंजन निकल कर आ रहा है दोस्तों, ये है 649 सीसी का, मतलब कि अप्रोक्स 650 सीसी का, जो दोस्तों पावर प्रोड्यूस करेगा 47 BHP की और दोस्तों 7100 RPM के साथ में, और 52 Nm का टॉर्क मिलेगा आपको 4000 RPM पर। और दोस्तों ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे एयर कूल्ड और ऑयल कूल्ड दोनों ही, साथ में दोस्तों आपकी बाइक होगी फ्यूल इंजेक्टेड, 6-speed गियरबॉक्स मिलेगा जो कि दोस्तों पहली बार होगा रॉयल एनफील्ड में। और बाकी दोस्तों यहां पर सारी के सारे डिटेल्स आपको आने वाले टाइम में मिल जाएंगे रॉयल एनफील्ड की वेबसाइट के ऊपर, बिकॉज दोस्तों EICMA इवेंट चल रहा है मिलान में और वहां पर दोस्तों रॉयल एनफील्ड का है इवेंट। और अगर आपको लाइव स्ट्रीम देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर दोस्तों इंटरेस्ट रजिस्टर भी कर सकते हैं, कैलेंडर में रिमाइंडर ऐड कर सकते हैं जहां पर आपको जैसे ही इवेंट स्टार्ट होगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, या फिर आप 7 नवंबर को डायरेक्टली दोस्तों इस लिंक के थ्रू जाकर देख सकते हैं लाइव स्ट्रीम। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज जैसे ही दोस्तों लेटेस्ट अपडेट आएगा रॉयल एनफील्ड की इस बाइक को लेके या फिर किसी और बाइक को लेके, तो मैं आपके लिए वीडियो जरूर लेके आऊंगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।